दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट तो खुल चुके हैं, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से वो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरनेट बैंकिंग की सही जानकारी उनके पास नहीं है। लोग अभी भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने से डरते हैं या कह सकते हैं कि बचते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के बारे में नहीं पता है तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आज का हमारा टॉपिक है क्या होते हैं बैंक में IMPS, RTGS और NEFT। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या होते हैं बैंक में IMPS, RTGS और NEFT। इसी तरीके की वीडियो श्रृंखला हमने शुरू की है। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया हुआ था UPI के ऊपर भी, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं UPI क्या होता है। आज हम लेकर आए हैं इन तीनों विषय के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले हम NEFT क्या है, क्या होता है NEFT। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों ही फॉर्म जो हैं ये मनी ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। तीनों के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग पैसे ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है। सबसे पहले आप देखेंगे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, इसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है ये, जिसमें हम पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप से भेज सकते हैं या पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। RBI के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, RBI इसको संचालित करता है। NEFT जो है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। मैं एक टेबल दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं ट्रांजैक्शन अमाउंट और NEFT के चार्जेस बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि UPI में जो है चार्जेस बिल्कुल नेगलिजिबल होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 10,000 रुपये तक का अमाउंट है तो NEFT में जो है 2.5 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST जो होगा। अमाउंट अगर आपका 10,000 से ऊपर है और 1,00,000 तक है तो 5 रुपये एप्लीकेबल और GST साथ में। अमाउंट अगर आपका 1,00,000 से ऊपर है, 2,00,000 तक है तो 15 रुपये प्लस GST। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है ये चार्जेस समय समय पर बदलती रहती हैं, इसीलिए आप अगर नेफ्ट करना चाहते हैं अपने बैंक से तो एक बार आप वहाँ के जो है रूल्स पता कर लें, वहाँ के चार्जेस को पता कर लें। RBI समय समय पर इन चार्जेस में जो है चेंजेस लाता रहता है। आगे हम देखेंगे ट्रांजेक्शन की टाइमिंग। NEFT जो है, NEFT की ट्रांजेक्शन की टाइमिंग कामकाजी दिनों में, जी हाँ, यहाँ पे संडे और हॉलीडेज को नहीं गिना जाएगा, कामकाजी दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। ये दोनों मोडों में जो है काम करता है, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। इसके बाद जो है पैसा ट्रांसफ़र होने में इसमें कभी कभी आधा दिन, कभी कभी एक दिन, कभी कभी 2 दिन तक लग जाते हैं। इसमें पैसे भेजने की कोई भी कम या ज़्यादा लिमिट नहीं है, इसीलिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र काफ़ी खास हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है पैसों की कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी कम से कम और कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें भेज सकते हैं। अगला हमारा है RTGS। RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है ये इंस्टेंट पैसे को जो है यहाँ से कवर करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ऐसा ऑनलाइन माध्यम है जिसमें बिना किसी विलंब बिना किसी देरी के पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो है आप RTGS के माध्यम से कम 2,00,000 रुपया तक किसी को भेज सकते हैं और अधिकतम कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कि RTGS में अगर आप RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2,00,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पैसा आप RTGS की मदद से आसानी से भेज सकते हैं। RBI के द्वारा इसको भी संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। आप इसके अमाउंट और RTGS की फ़ीस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अमाउंट को ज़्यादा अमाउंट में भेजा जाता है, मिनिमम 2,00,000 है। 2,00,000 से 5,00,000 तक अगर आप भेजते हैं तो 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन, अगर आप 5,00,000 के ऊपर भेजते हैं तो 55 रुपये पर ट्रांजैक्शन। और इसमें भी जो है चेंजेस आते रहते हैं समय समय पर RBI के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग।
अगला आप देखें आरटीजीएस की ट्रांजेक्शन की टाइमिंग क्या है। इसमें वीकडेज में जो है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 तक, इसमें सैटरडे भी काउंट किया जाता है, सैटरडे सुबह 9 से 2 बजे तक जो है। और हम एक बात बता दें, अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग टाइमिंग्स हैं। आप जिस बैंक से संबंधित हैं उसमें आप आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस जो भी करना चाहते हैं उसका समय आप ध्यान रखें, वहाँ पर पता करें, इसके बाद ही आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आरटीजीएस भी दोस्तों ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता है। इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए महज 30 मिनट का समय लगता है। आप देख सकते हैं कितनी खास ये जो व्यवस्था है, इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए जो सेंड कर सकते हैं वो महज 30 मिनट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लास्ट है हमारा आईएमपीएस, इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। क्या होते हैं ये, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज 2010 में इस व्यवस्था को लाया गया था। आप मोबाइल नंबर की मदद से जल्द पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्विसेज पूरे 24 घंटे उपलब्ध होती हैं, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसा कि आपने UPI में भी देखा होगा, उसी तरीके से IMPS में भी आप जो है सर्विसेज को 24 घंटे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी ये होता है। तो इसमें जो है आप कभी भी कहीं भी, इसमें वीकडेज की भी कोई परेशानी नहीं है, अगर हॉलीडे है तो भी आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें कि चार्जेस लगते हैं। अगर आप 10,000 तक या 10,000 से कम भेजते हैं तो 205 रुपये प्लस GST। आप 10,000 से लेकर 1,00,000 तक भेजते हैं तो 5 रुपये प्लस GST। आप 1,00,000 से 2,00,000 तक के लिए भेजेंगे तो 15 रुपये प्लस GST। इसकी ट्रांसफ़र लिमिट जो है दोस्तों 2,00,000 रुपये होती है। IMPS के थ्रू जो है आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000 रुपये तक सेंड कर सकते हैं। इसमें पैसा तुरंत ट्रांसफ़र किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। एक हम लास्ट आपको इन तीनों का एक्चुअल डिफरेंस बताना चाहेंगे, ये टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको आगे चल के सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए बेसिक कंपैरिजंस, NEFT, RTGS, IMPS, पेमेंट ऑप्शंस जो हैं NEFT में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, RTGS में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, IMPS में ये अकेला ऑनलाइन है। मिनिमम ट्रांजेक्शन NEFT में 1 रुपये से कर सकते हैं आप, RTGS में मिनिमम ट्रांजेक्शन 2,00,000 से शुरू होता है और IMPS में 1 रुपये से। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन की NEFT में कोई लिमिट नहीं है, RTGS में भी कोई लिमिट नहीं है, IMPS में लिमिट है 2,00,000 रुपये। सर्विस टाइमिंग आप देख सकते हैं NEFT की सुबह 8 से शाम 7 वर्किंग दिनों तक। ये बैंकों के अलग अलग रूल्स और अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग से वेरी भी कर सकती है। RTGS का भी सेम प्रोसेस है, IMPS जो है आपका 24/7 अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और NEFT क्या है, RTGS, IMPS क्या होता है, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।